हाय एवरीवन वेलकम टू दक्षिण स्वाद तो आज मैं वेज उपमा का रेसिपी लेकर आई हूँ उपमा तो आप सब जानते हो बहुत ही हेल्थी और चटभर भरने वाला एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है तो आज मैं जो उपमा बनाने जा रही हूँ उसमें खूब सारा वेजिटेबल्स डलेगा जिससे वो बहुत ही हेल्थी और टेस्टी बनेगा तो चलो देखते हैं वेज उपमा का रेसिपी वेज उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कप सूजी या रवा वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पर एक कैरेट लिया है तीन चार बीन्स लिए हैं एक मुट्ठी भर कॉर्न लिया हुआ है अगर आपके पास कॉर्न नहीं है तो आप अगर मटर है तो आप मटर भी यूज कर सकते हैं और मटर और कॉर्न दोनों यूज कर सकते हैं तो अगर नहीं है तो अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि आप कॉर्न डालोगे तो एक अलग सा टेस्ट आता है तो मेरे पास यहाँ पर अभी मटर अवेलेबल नहीं था तो मैंने कॉर्न डाल दिया है एक हरी मिर्च और तीन से चार छोटी प्याज लिया हुआ है तो छोटी प्याज अगर आपके पास नहीं है तो आप बड़ी प्याज भी ले सकते हैं मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने इसलिए ले लिया है अब तड़के के लिए तेल सरसों भुना चना सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता तड़के में आप चाहे तो एक स्पून दाल और मूंगफली भी ले सकते हो बहुत ही बढ़िया होता है अगर आप मूंगफली डालोगे तो आपका उपमा और हेल्थी बन जाएगा तो चलो वज उपमा बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें रवा को रोस्ट करना है अगर आपने रोस्टेड रवा लिया हुआ है तो एज एडीसी आप यूज कर सकते हैं नहीं तो आप रवा को अच्छी तरह रोस्ट कर लीजिए उसके बाद एक कढ़ाई में तड़के के लिए आप तेल डालकर सरसों और बुना चना दोनों डालकर अच्छी तरह सोटे कर लीजिए और अगर आप उड़द दाल और मूंगफली ले रहे हो तो इस वक्त आप उड़द दाल या मूंगफली डाल सकते हो और उसके बाद सूखी लाल मिर्च इसमें करी पत्ता और जो हमने प्याज के रखा हुआ था वो इन सबको अच्छी तरह सोटे कर लीजिए और प्याज बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन करने की जरूरत नहीं है अब आप देख लीजिए प्याज मैंने बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया है इतना काफी है अब इसमें आप वेजिटेबल्स जो काट के रखे हुए हैं वो डाल दीजिए मैंने यहाँ पर कैरेट बीन्स कॉर्न और हरी मिर्च डाला हुआ है इसमें तो अगर आपके पास जैसे मैंने कहा था मटर है तो मटर डाल सकते हो इसको दो मिनट तक सोटे कीजिए थोड़ा अच्छी तरह सोटे कीजिएगा अब हमें पानी डालना है तो पानी मैंने यहाँ पर एक कप रवा के लिए तीन कप पानी डाला हुआ है रवा का जो क्वालिटी होता है उस पर डिपेंड करेगा कि पानी कितना चाहिए अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए और इसको अच्छी तरह उबलने दीजिए तो आप एक कप रवे के लिए तीन कप पानी डालकर देख लीजिए अगर आपको बाद में लग रहा है कि पानी कम पड़ा है तो आप बीच में उपमा खोलकर उसमें आधा कप उबला हुआ पानी और ऐड कर दीजिएगा तो उबलने के लिए हम इसको ढककर रख देते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ रहा है और अच्छी तरह उबल रहा है तो चलो अब इसमें हम सूजी डालते हैं तो सूजी क्या है कि एकदम से सारा नहीं डालना है एक हाथ से आप थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए और दूसरे हाथ से हिलाते जाइएगा और अच्छी तरह सारा इवनली मिक्स कर लीजिएगा बहुत ही हेल्थी रेसिपी है फुल ऑफ वेजिटेबल्स बच्चों को भी खिलाएगा और बच्चों के लिए थोड़ा चीनी मिक्स कर दे दीजिए बहुत ही अच्छा टेस्ट है अब हम इसको ढककर दो मिनट के लिए रख देंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है तो बिल्कुल धीमी आंच में इसको पकाना है अब ढककर रख दीजिए और दो मिनट के बाद हम खोल कर देख लेंगे कि कितना ड्राई हो गया तो चलो अब खोलकर देखते हैं तो आप देख सकते हैं पानी सारा भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया है और उपमा बिल्कुल सॉफ्ट है अभी अगर आपको लग रहा है कि आपका उपमा ड्राई है या पानी बहुत कम पड़ा है सॉफ्ट नहीं है तो आप आधा कप पानी उबालकर बॉईल करने के बाद इसमें डालिएगा और अच्छी तरह मिलाने के बाद ढककर दोबारा एक या दो मिनट के लिए दोबारा रख दीजिए एक और मिनट के लिए मैंने यहां पर इसको ढककर रख दिया है तो चलो उपमा खोलकर देखते हैं तो आप देख सकते हैं उपमा का टेक्सचर जो है बहुत ही बढ़िया है और बिल्कुल सॉफ्ट उपमा है ये तो उपमा आप एज ए ब्रेकफास्ट और एज ए स्नैक भी ले सकते हो और इसके साथ एक कप चाय हो तो बहुत ही बढ़िया और इसके साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन में बता के देती हूँ वाइट कोकोनट चटनी जो नारियल का चटनी हम मोस्टली uh, डोसा और इडली के साथ खाते हैं वो इसके साथ बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो जरूर ट्राई करके देखिएगा मैंने ऑलरेडी एक स्पेशल कोकोनट चटनी का रेसिपी शेयर किया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा तो आई होप आज का रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आया होगा बच्चों को भी खिलाइए बहुत ही हेल्थी रेसिपी है और झटपट बनने वाला एक रेसिपी है अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे थैंक यू बाय